None of us have yet seen an ideally perfect man, and yet, without that ideal, we cannot progress. Swami Vivekananda. Namaskar, my name is Sahibjeet Kaur, and it's an absolute delight, ladies and gentlemen, for me to welcome you all to the 25th edition of the National Youth Festival. Today, as we celebrate the 159th birth anniversary of a perpetual youth icon and visionary, Swami Vivekananda, we also celebrate an idea. The idea to grow together as a nation through experience, to create through participation, and of course, to learn from all what diversity has to offer. With this, ladies and gentlemen, our sessions for the day, for the following day, will focus on the theme of national character, nation building, and homegrown change leaders. Join me as we move forward to our next session. Ladies and gentlemen, our next session for the same is based on the topic of the importance of natural farming for a sustainable future. Lao Tzu said that nature does not hurry, yet everything is accomplished. Our speaker for this session is a homegrown intellectual who is a learned author, an able administrator, educationist, and a repository of great knowledge on natural farming. Ladies and gentlemen, Honorable Governor of Gujarat, Sri Acharya Devrat Ji, has been kind enough to grace us with his presence and elaborate on how natural farming can be a catalyst for India's sustainable future. Join me as we welcome the Honorable Governor. Namaskar, sir. आदरणीय सभी अधिकारीगण और मेरे युवा साथियों, नेशनल यूथ फेस्टिवल के इस कार्यक्रम में, जहां मुझे बताया गया कि भारतवर्ष के प्रत्येक जिले से 8,000 की संख्या में युवा इस यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप सबको और खेल मंत्रालय भारत सरकार को, माननीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को, आप सब अधिकारियों को इस यूथ फेस्टिवल की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज लोहड़ी का पर्व है, इसकी भी मैं सब युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्यारे युवा साथियों, इस समय भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। कल हमने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई है, वो भी एक प्रेरणा स्रोत हैं। किसी भी राष्ट्र का निर्माण उस देश के युवाओं के जीवन शैली से ही होता है। आप वो युवा हैं जो भारत के भावी भाग्य विधाता हैं। आप जितने शरीर से बलवान होंगे, बौद्धिक रूप से सशक्त होंगे और भारतीय जीवन मूल्यों से संस्कारित होंगे, उतना ही राष्ट्र सशक्त, मजबूत और समृद्ध होगा। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप भारत के स्वास्थ्य के राजदूत भी हैं, अग्रदूत भी हैं, प्रेरक भी हैं और प्रहरी भी हैं। भारत का स्वास्थ्य, भारत का पुरुषार्थ, भारत का संघर्ष और भारत का जीवट उतना ही उन्नत और प्रखर होगा जितने आप उन्नत और प्रखर होंगे। मेरे नौजवान साथियों, आज विश्व का स्वास्थ्य दांव पर लगा हुआ है।
हम परम सौभाग्यशाली हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया के द्वारा योग को विश्वव्यापी बनाकर और भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक खेल की सुविधाओं को प्रदान कर भारत के युवा के स्वास्थ्य की चिंता की है और वो चाहते हैं मेरे देश के युवा जितने स्वस्थ निरोग और विचारों से प्रबुद्ध होंगे उतना ही राष्ट्र उन्नत मजबूत और सशक्त होगा। आज इस युवा सम्मेलन में हजारों की संख्या में पूरे भारत देश के युवा, उन सब से मैं एक निवेदन करूंगा कि मुझे अच्छी तरह पता है कि आप में से बहुत सारे युवा ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, किसान परिवारों से संबंध रखते हैं। आप में अनेक ऐसे युवा मुझे सुन रहे हैं जिनके पूज्य माता पिता खेती करते हैं, आप भी उनका सहयोग करते हैं, और ऐसे युवा जो खेती नहीं करते लेकिन किसी न किसी रूप से प्रत्येक युवा का कृषि के साथ संबंध होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना भोजन लिए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। उत्तम स्वास्थ्य के लिए जहां दिनचर्या जरूरी है, व्यायाम योग जरूरी है, उसके साथ साथ संतुलित पौष्टिक और जहर मुक्त आहार भी उतना ही जरूरी है। आज मुझे जो विषय दिया गया है, जिसको पिछले 9-10 वर्ष से मैं पूरे देश में प्रचारित कर रहा हूं, वो है प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग। मेरे युवा विद्यार्थी साथियों, आप अलग अलग क्षेत्र में निष्णात हैं। भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से चहुमुखी विकास कर रहा है। हम सब ने मिल करके आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में आज शपथ लेनी है कि हमने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जिस जिस क्षेत्र में आप निष्णात हैं उसमें बहुत परिश्रम के साथ देश को आगे बढ़ाना है। मैंने जो निवेदन किया, आप जितने युवा साथी हैं वो किसी न किसी रूप से कृषि से जुड़े हैं। कृषि आदि काल से भारतीय आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी रहा है। हम पशुपालन और कृषि में सदैव अग्रणी रहे। भारत का युवा और किसान हमेशा से ही कृषि के प्रति समर्पित रहा है और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इन पिछले दिनों में गांव, गरीब और किसान के लिए अनेक ऐसी कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की हैं कि जिससे भारत का किसान खुशहाल हो, उन्नत हो, समृद्ध हो। इस दिशा में सरकारों द्वारा निरंतर प्रयास चल रहे हैं, लेकिन आज मैं जो चर्चा आप सब युवाओं के बीच में करना चाहता हूं, मैं नम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके आज के विषय को अवश्य गंभीरता से लेंगे। नेचुरल फार्मिंग, इस समय भारत और दुनिया में जो खेती की जा रही है वो रासायनिक पद्धति से की जा रही है। हम खेतों में यूरिया, डीएपी, कीटनाशक अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। 60 के दशक में इस कृषि की आवश्यकता थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो समय की मांग थी, लेकिन हमने निरंतर इसको इतना आगे बढ़ा दिया कि उसके दुष्परिणाम भी आप और हमारे सामने आने प्रारंभ हो चुके हैं।
सबसे बड़ी चुनौती जो विश्व की समय है वो है ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु परिवर्तन इस कदर हुआ है कि आज सारी दुनिया उससे भयभीत है। रासायनिक कृषि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान करती है, नंबर एक। नंबर दो, हमारी जो भूमि माता है जिसको वेदों में कहा माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, ये धरती हमारी माँ हो और हम इसके पुत्र हैं। जैसे हमारी जननी माँ हमें जन्म देकर पाल पोस करके बढ़ा करती है, इसलिए माँ कहते हैं, वो रक्षा करने वाली है। ऐसे ही धरती माँ तो आजीवन प्रत्येक प्राणी का पेट भरने का काम करती है, तो वो माँ है। और हमने उसको यूरिया डीएपी कीटनाशक डाल डाल करके इतना जहरीला बना दिया कि उसके कारण हमारे पीने का पानी भी प्रदूषित हो गया। आप सबसे मैं जानना चाहता हूं, अपने पिता माता से पूछना, क्या 30 साल पहले बोतल के पानी लिए कोई घूमता था? हम कहीं पर भी पानी पी लेते थे, इतना स्वच्छ पानी मिलता था। आज यूरिया डीएपी कीटनाशक ने भूमिगत जल को भी दूषित कर दिया, पीने लायक पानी नहीं बचा। धरती माँ इतनी जहरीली बना दी कि गेहूं चावल दाल सब्जी भाजी जो हम खाते हैं उनमें इतना जहर पड़ रहा है, स्लो पॉइजन, वो हम हर किसी को, चाहे वो शहर में रहता है, चाहे वो गांव में रहता है, चाहे खेती करता या नहीं करता है, जीवन जीने के लिए भोजन तो सबकी आवश्यकता है, लेकिन हमें जो भोजन मिल रहा है उसमें इतना कीटनाशक और जहरीला तत्व है जिस कारण हम बहुत बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, पंजाब प्रांत में भटिंडा से बीकानेर राजस्थान के लिए प्रतिदिन एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। मेरे युवा साथियों, आप युवा हैं, आपका स्वास्थ्य जितना उन्नत होगा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा और गीता में लिखा, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होगा तो विचार और शरीर स्वस्थ और निरोग होगा, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और आत्मा का निवास होता है। वैचारिक रूप से वही व्यक्ति उन्नत होगा जिसका शरीर स्वस्थ और निरोग है। हमारे देश में कहा पहला सुख निरोगी काया, शरीर माध्यम खलु धरण साधनम, ये शरीर का स्वस्थ रहना सबसे आवश्यक है। और भारत तो युवा देश है, युवाओं का देश है, उनका स्वास्थ्य जितना उन्नत होगा उतना ही वो अपने अपने क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। तो आज मैं जो चर्चा आपके बीच में करने लगा हूं कि ये खेती जो इस समय सारी दुनिया और भारत में की जा रही है, जिसमें हम अरबों रुपए का खाद विदेशों से आयात करते हैं, यदि वो धन देश के विकास में लगे तो कितनी प्रगति होगी। हम 125,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी यूरिया डीएपी पर प्रति वर्ष किसानों को दे रहे हैं और धरती में डाल करके धरती माँ को जहरीला बना रहे हैं, और इसके बदले में लोगों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं हो पा रहा। तो क्या कोई विकल्प है, ऐसा विकल्प कि हम बिना यूरिया डीएपी के जो खेती करें उसमें हमारे खेती का उत्पादन भी कम ना हो, पर्यावरण भी दूषित होने से बच जाए, जल भी प्रदूषित होने से बच जाए, धरती माता भी जहरीली होने से बच जाए, और जो धरती का उत्पादन वो इतना स्वास्थ्य प्रदान करे कि अपने देश का युवा और प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो सके, और भारत के किसान की आय, जिसकी बहुत बड़ी चिंता
माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं कि भारत का किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, उन्नत हो, उसकी आय बढ़े, वो भी काम इससे पूरा हो सके। तो मेरे युवा साथियों, इसका विकल्प है प्राकृतिक कृषि। ये प्राकृतिक कृषि ऑर्गेनिक खेती नहीं है, ध्यान करें, ये जैविक कृषि नहीं है। हम आज तक भारत में और दुनिया में रासायनिक खेती का विकल्प प्राकृतिक खेती की बजाय जैविक कृषि में ढूंढते आए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ढूंढते आए हैं। मैं जो चर्चा आज आपके बीच में करूंगा, मैं ऑर्गेनिक खेती की नहीं, मैं चर्चा कर रहा हूं प्राकृतिक कृषि की। जैविक खेती और प्राकृतिक कृषि में जमीन आसमान का अंतर है। प्राकृतिक खेती क्या है? आप जंगल में जाओ और जंगल में जो पेड़ हैं उनको देखो। आप सब युवाओं से मैं पूछना चाहता हूं, जंगल के पेड़ को यूरिया कौन देता है? कोई नहीं देता। डीएपी कौन देता है? कोई नहीं देता। कीटनाशक कौन डालता है? कोई नहीं डालता। उनको पानी कौन देता है? प्रकृति के द्वारा होता है। और जंगल का पेड़ जब समय आता है फलों से लद जाता है, और जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को लेकर आप प्रयोगशाला में ले जाएं, उस पर लेबोरेटरी में टेस्ट कराएं, किसी भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। आप विचार कीजिए, जब जंगल में प्रकृति ने पेड़ पौधों की समस्त आवश्यकताओं की स्वाभाविक रूप से पूर्ति की है, तो वो ही सिद्धांत मेरे खेत में भी लागू होना चाहिए। जो जंगल में प्रकृति काम करती वही मेरे खेत में काम हो, इसका नाम है प्यारे युवा साथियों प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग। तो इसी का प्रचार मैं पूरे देश में निरंतर कर रहा हूं, और हम सबको अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले महीने 16 दिसंबर को भारत के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात के आनंद में लगभग 8 करोड़ किसानों के बीच में उन्होंने पूरे देश के किसानों को आह्वान किया है कि वो प्राकृतिक खेती की ओर आए, क्योंकि प्राकृतिक खेती ऐसी है जिससे पर्यावरण भी बचेगा, जमीन की उर्वरा शक्ति भी बचेगी, पानी भी बचेगा, देसी गाय पर आधारित ये कृषि, उस गाय का भी संवर्धन होगा और किसान की आय भी बढ़ेगी, क्योंकि इस कृषि में खर्चा नहीं है। आप जितने भी युवा साथी मेरे सामने कृषि से जुड़े हैं, वो आज के विषय की गंभीरता को समझें और अपने खेतों में पूरे में ना करें। शुरू में आपका जितना टोटल खेत है उसके चौथे हिस्से में अवश्य करें, और जो खेती नहीं करते वो प्राकृतिक उत्पादों को ही घरों में प्रयोग करें, ताकि उसकी मांग बढ़े और आप सबका स्वास्थ्य अच्छा बने। अब ये प्राकृतिक खेती क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे। प्राकृतिक खेती में हम दो तरह के कल्चर कहो, खाद कहो, तैयार करते हैं। एक का नाम है जीवामृत और दूसरे का नाम है घन जीवामृत। और ये देसी गाय जो भारतीय नस्ल की गाय हैं, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, ये वो भारतीय गाय हैं। मैंने स्वयं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के माध्यम से बहुत रिसर्च करवाए हैं, और इस समय डॉक्टर बलजीत सारण, डॉक्टर हरिओम जी, डॉक्टर राजेश्वर चंदेल ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनकी एक बड़ी टीम है, जिन्होंने देसी गाय के गोबर गोमूत्र पर लेबोरेटरी में रिसर्च किया और क्या पाया कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, और देसी गाय का गोमूत्र खनिजों का भंडार है। भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, बकरी, इन पर भी हमने रिसर्च किया, लेकिन इनमें वो गुणवत्ता गोबर गोमूत्र में नहीं मिली,
उनके मूत्र में नहीं मिली जो देसी गाय के मूत्र में और गोबर में मिली। तो हम क्या काम करते हैं, इसके बनाने की विधि क्या है? आप 200 लीटर का एक ड्रम ले लें, उसमें लगभग 180 लीटर सामान्य पानी भर लें और उसमें देसी गाय 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती। आप वो रात दिन 24 घंटे का गोबर गोमूत्र उस पानी में छोड़ दें, ड्रम में डाल दें, और 1.5 से 2 किलो गुड़ और 1.5 से 2 किलो किसी दाल का बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी, बस इतनी चीज भी ड्रम में डाल दें और लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम कुल 4-5 दिन इसको घोलना है। उसके बाद 1 एकड़ का खाद तैयार है। दुनिया में इतना कम समय में 1 एकड़ का खाद 1 दिन के गोबर गोमूत्र से बन जाए कहीं संभव नहीं है। प्यारे युवा साथियों, अब इसके साइंस को समझें आप। जब 1 ग्राम गोबर में, गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो गाय के 10 किलो गोबर में कितने जीवाणु होंगे? बहुत बड़ी संख्या में होंगे। और इन जीवाणुओं को खाने के लिए हमने दाल का बेसन प्रोटीन के रूप में दे दिया, तो उससे वो बलवान स्वस्थ मजबूत बनेंगे, और गुड़ दे दिया तो मल्टीप्लाई होंगे, बढ़ेंगे, और उनमें मिट्टी डाली तो मिट्टी में भी जो जीवाणु है वो उनसे मिलकर हर 20 मिनट में इन जीवाणुओं की संख्या डबल होती जाएगी, और 72 घंटे ऐसा रखने पर किसान इसको जब खेत में पानी देता है ड्रिप के द्वारा, स्प्रिंकल के द्वारा या खुला पानी देता है, तो बूंद बूंद इसको छोड़ दें तो पूरे खेत में फैल जाएगा। जब ये जीवामृत पूरे खेत में फैलेगा और धरती में जो जीवाणु हैं उनसे मिलके जामुन का, मेलवन का, कल्चर का काम करेगा। जैसे हम 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही डाल दें तो सारा दूध दही में बदल जाता है, ऐसे ही ये जीवाणु, ये बैक्टीरिया जब धरती में जाएंगे तो अपने अन्य जीवाणुओं को बहुत बढ़ाने का काम करेंगे, ये असंख्य होंगे, गिनती नहीं कर पाएंगे। और प्यारे युवा साथियों और किसान के बेटों, यही वो जीवाणु हैं जो धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं, धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, और यही जीवाणु हैं जो आकाश में, वायु में 78% नाइट्रोजन है, ये जीवाणु उसको खींचते हैं और पौधे के लिए भोजन के रूप में देते हैं। ये काम यही बैक्टीरिया, यही सूक्ष्म जीवाणु करते। नंबर 2, ये सूक्ष्म जीवाणु जो हैं, बहुत हमारी जो धरती माँ है ये रत्न गर्भा है, इसमें फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम है, इसमें कॉपर है, अनेक खनिजों से परिपूर्ण धरती है। लेकिन ध्यान करो, ये जो धरती के अंदर तत्व हैं, फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है इत्यादि जो तत्व हैं, ये अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनाते। ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, यही उन तत्वों से भोजन बना करके पौधे की जड़ को देते हैं। आप मोटे रूप में यूं समझिए, जैसे हम सब के घरों में किचन है, खाना पकाने की रसोई है, उस किचन में गेहूं है, चावल है, आटा है, नमक है, दाल है, सब्जी है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप तो भोजन बन करके तैयार नहीं होता। भोजन कब बनेगा? जब हमारी माता बहन किचन में जाएगी, आटे को गूंदेगी, सब्जी को काटेगी, छौंका लगाएगी, बनाएगी, तो भोजन बनेगा।
आप समझिए बिल्कुल ठीक इसी तरह जो काम किचन में हमारी माता बहन का है वही काम प्राकृतिक खेती में जीवाणुओं का है। धरती में सारे तत्व हैं पौधे को भोजन देने वाले, लेकिन वो अपने आप भोजन नहीं बनाते। ये जीवाणु जो हमने जीवामृत के द्वारा घन जीवामृत के द्वारा देते हैं, यही जीवाणु धरती में पड़े उन तत्वों को से भोजन बना करके पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। तो ये प्राकृतिक कृषि में धरती की फर्टिलिटी बढ़ने का काम यहां से शुरू होता है। तो ये जितने भी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये धरती की उर्वरा शक्ति को ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं। नंबर दो, जब हम ये जीवामृत घन जीवामृत धरती में छोड़ते हैं तो धरती में किसान का सबसे बड़ा मित्र है केचुआ, हलसिया, अर्थवर्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उस किसान का सबसे बड़ा मित्र है। इस समय रासायनिक खेती में ये सूक्ष्म जीवाणु और ये केचुआ अर्थवर्म को हमने मार दिया है, वो बचे नहीं, बहुत थोड़े बचे हैं। और यही तो धरती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, यही यूरिया डीएपी ने मार दिए हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है कि धरती की फर्टिलिटी घट रही है, उसकी उपजाऊ क्षमता कमजोर हो रही है। उसके लिए हमने यूरिया डीएपी कई गुना ज्यादा डालना पड़ता है, उस यूरिया डीएपी से किसान की लागत बढ़ रही है और उत्पादन कम हो रहा है। अब बताइए आप, खेती में लागत तो बढ़ती चली जाए और उत्पादन कम हो जाए तो इससे किसान कैसे समृद्ध हो पाएगा? हमने यदि प्राकृतिक खेती को अपना लिया तो उसमें आप आश्चर्य करेंगे, अभी जो चर्चा मैं आपके बीच में करने वाला हूं, कितना बड़ा क्रांतिकारी अभियान हो सकता है। जब हम धरती में यूरिया डीएपी को डालते हैं तो जीवाणु मरते हैं, और गाय का गोबर गोमूत्र से जीवामृत घन जीवामृत बना करके डालते हैं तो धरती के नीचे अब भी केचुआ अर्थवर्म समाधि लिए बैठा है, मित्र जीव बैठे हैं। जब उनकी गंध उनको मिलती है तो वो धरती फोड़ के अपना काम शुरू कर देते हैं और अपना परिवार भी बढ़ाना शुरू करते हैं। मेरे युवा साथियों, ये जो चर्चा मैं आपके बीच में कर रहा हूं ये मेरा भाषण नहीं है, मैं खुद एक किसान हूं, मैं खेती करता हूं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र है हरियाणा में, वहां गुरुकुल का हमारा 200 एकड़ का प्राकृतिक खेती का फार्म है, जिसमें पिछले 8-10 वर्ष से मैं यही खेती करता हूं जिसकी चर्चा आपको कर रहा हूं, और इससे मेरी धरती की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ गई, मेरा उत्पादन भी बढ़ गया, मेरी लागत भी शून्य के बराबर हो गई। और मैं नहीं, हिमाचल प्रदेश में 4 साल मैं गवर्नर रहा, वहां मैंने अभियान चलाया तो वहां 1.5 लाख से ज्यादा किसान इसी प्राकृतिक खेती को करते हैं, और इस समय गुजरात में 2 लाख किसान इस प्राकृतिक खेती को करते हैं, और देश के अन्य विभिन्न भागों में लाखों किसान इसी प्राकृतिक खेती से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस से युक्त पद्धति तकनीक है। अब मैं जो चर्चा कर रहा हूं, जीवाणुओं का काम मैंने बताया कैसे करते हैं, अब जब आप धरती पर जीवामृत डालेंगे तो उसकी गंध से जो अर्थवर्म है, केचुआ है, वो धरती फोड़ के ऊपर आएगा, और वो कैसे काम करता है उसको ध्यान करें। भारतीय केचुआ धरती में ऐसे 8-10-12 फुट छेद बनाता जाता है, छेद से जाता है, इससे आता, इससे जाता, इससे आता, इससे जाता, इससे आता, तो ये 10-12 फीट तक धरती में जो खनिज हैं उनको ये केचुआ अर्थवर्म खाता है, और पेट से निकाल करके विष्ठा के रूप में पौधे की जड़ को खाद बना करके देता है। आपके खेत की मिट्टी से इस केचुए की विष्ठा में
पांच गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है और 11 गुना ज्यादा पोटास है। और ये अर्थवर्म जब इसको आप जहर नहीं डालोगे, इसमें यूरिया डीएपी कीटनाशक नहीं डालोगे, तो इसका परिवार बढ़ेगा। एक केचुआ अपने जीवन में हजारों परिवार बढ़ा करके, हजारों बच्चे दे करके मरता है। वो बहुत अंडे देता है और जब मरता तो भी अपनी खाद आपकी मिट्टी को दे करके जाता है। और ये छेद कैसे बनाता है? जब ये धरती में छेद बनाता है तो अपने शरीर से वर्मी वो छोड़ता तो धरती लीपता जाता है, वो छेद जल्दी बंद नहीं होता। और उस छिद्र से धरती को ऑक्सीजन मिलता तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और जब वर्षा आती है और आपके खेत में लाखों केचुआ जब पैदा हो जाएंगे, मेरे खेत में क्योंकि मैं यूरिया डीएपी कीटनाशक डालता नहीं, अब इनको इतना खुला काम करने को मिल गया, इतना खुला काम करने को मिल गया कि मेरे खेत में एक एक एकड़ में कई कई लाख केचुआ काम करते हैं और वो रात दिन यही छिद्र बनाते हैं, जमीन को उलट पुलट करते हैं, पोली बना देते हैं, नम्र बना देते हैं, नरम बना देते हैं जमीन को। और जब उसके विष्ठा में धरती से 5 गुना ज्यादा तो नाइट्रोजन मिल गया, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस मिल गया और 11 गुना ज्यादा पोटास मिल गया, और एक खेत में लाखों केचुआ ये काम करेंगे, तो उसके बाद आपको कृत्रिम यूरिया डीएपी की क्या आवश्यकता, उसी से पूर्ति हो जाएगी। और नेचुरल वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का काम भी ये केचुआ अर्थवर्म करता है। जब एक एकड़ में लाखों केचुए करोड़ों छिद्र बना देंगे धरती में, जब भी वर्षा होगी तो सारा पानी इन छिद्रों से धरती माँ के पेट में चला जाएगा, तो ये नेचुरल वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। हमारी सरकारें जो करोड़ों रुपया वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में खर्च करती हैं, यदि इस धरती पे भारतवर्ष में सब जगह प्राकृतिक खेती होने लग जाएगी तो धरती पे वर्षा जल बह करके नहीं जाएगा। अब होता क्या है, यूरिया डीएपी ने धरती की परत को कठोर बना दिया, धरती पानी नहीं पीती। हम धरती से ट्यूबवेल के द्वारा पानी तो निकाल रहे हैं और धरती में फैला रहे हैं, उसको सूर्य वाष्प से उड़ा ले जाता है। धरती से पानी निकल गया, वापस नहीं जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियों को पीने का भी पानी कहां से मिलेगा, इस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन इस प्राकृतिक खेती में जब ये अर्थवर्म बहुत बढ़ेगा सारी धरती पे, तो जब भी वर्षा होगी सारा पानी इन्हीं छिद्रों से धरती के पेट में जाकर और धरती के भूमिगत जल को बढ़ाने का काम करेगा और आने वाली पीढ़ियों को भरपूर पानी मिलेगा। नंबर एक। नंबर दो, जब अकाल पड़ेगा, वर्षा नहीं होगी, लूएं चलती, गर्मी पड़ती है, तब पेड़ को पानी कहां से मिलेगा? तो इन्हीं, जब धरती तपेगी तो धरती के नीचे नमी है उसमें वाष्प बनेगी और वो वाष्प इन्हीं केचुओं के छिद्र के द्वारा ऊपर आकर के पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी, इसलिए अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा। यही तो नियम जंगल में जो मैंने चर्चा की, जंगल के पेड़ को कोई पानी नहीं देता, यूरिया नहीं देता, डीएपी नहीं देता, वो 12 महीने हरा भरा रहता है। तो प्राकृतिक कृषि से अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा और वर्षा आएगी तो भी पौधा नहीं मरेगा और भूमिगत जल बढ़ेगा। ये इसका बहुत बड़ा एक सिद्धांत है। प्यारे युवा साथियों, ये प्राकृतिक कृषि का एक भाग पूरा हुआ, जीवामृत। और घन जीवामृत क्या खाद है? जो खाद आपकी फालतू बच जाती है उसको थोड़ा बारीक पीट लें और उसमें जो जीवामृत बना है हमने वही मिलाकर के 8-7 किलो 1 क्विंटल में, उसको घर में पशुशाला में रख दें बोरी से ढक के। ये खाद 6 महीने भी खराब नहीं होता। जब किसान खेती बोना चाहता है
उससे पहले इसको खेत में फैला दें और फसल को बो दें। इसको घन जीवामृत बोलते हैं और जो लिक्विड मैंने बताया उसको जीवामृत बोलते हैं। अब दूसरा जो मजबूत पक्ष एक और है प्राकृतिक कृषि का, वो भी आपने समझना होगा। वो क्या है कि प्राकृतिक खेती में हम एक ही समय में एक ही खेत में अनेक तरह की फसलें करते हैं। जैसे आपने गेहूं बो दिया, उसके बीच में आपने धनिया लगा दिया, उसी के बीच में एक जगह मूली लगा दी, दूसरी जगह आपने गाजर बीज दी, तीसरी जगह आपने चना बीज दिया, तो आपकी जो मुख्य फसल है वो पूरी बचत में जाएगी और आपके सारे खर्चों को बीज की फसलें निकाल देंगी। और जब चना और ये चीज बीच में लगाओगे, धरती को नाइट्रोजन देंगे, खाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गेहूं फ्री में होगा। ऐसे ही आप अनेक तरह के जब फसलें करते हैं तो एक ही जगह बहु विविध फसलों को बोना नंबर एक तो इस पद्धति में ये चलता है। इसके लिए मैं बीच में बता दूं, आपने अधिक समझना है तो राजभवन गुजरात की वेबसाइट पर जाएं, उसमें मेरी एक पुस्तक है प्राकृतिक कृषि के नाम से, उसमें पूरा विवरण कैसे खेती की जाती वो निशुल्क आपको उपलब्ध उसमें है। और YouTube पर आचार्य देवव्रत गवर्नर गुजरात को आप लेंगे तो उसमें आपको अनेक मेरे भाषण इस विषय पर मिलेंगे, जानकारियां मिलेंगी। और इसके साथ साथ अब हमने एक अभियान चलाया है, हमारी बहुत बड़ी हजारों की प्रशिक्षक हमने तैयार किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि पूरे भारतवर्ष में प्राकृतिक खेती का अभियान चलना चाहिए, तो इस दिशा में हम अपने शिक्षक तैयार कर चुके हैं। जिस प्रदेश में जो लोग मेरे को लिखेंगे वहां मैं प्रशिक्षक भेजूंगा ताकि आप लोगों को इस खेती की दो दो तीन तीन दिन में भरपूर ट्रेनिंग निशुल्क रूप से प्राप्त हो जाए। ये एक अभियान हमने चलाया। तो मैं जो बात कह रहा था, दूसरा इसका महत्वपूर्ण पक्ष है आच्छादन, मल्चिंग, धरती को ढक करके रखना। अब इसको वो मेरे युवा साथी समझेंगे जो कृषि से जुड़े हुए। आप अपने माता पिता से भी पूछना, आपको जो मैं चर्चा कर रहा हूं वैसा उनको अनुभव में आएगा। आप धरती में कोई भी चीज बीज दो, जब वो उग जाए उसका पौधा, बाकी धरती को आपने घास फूस से जो भी खरपतवार खेत में उसको काट के वहीं धरती को ढकना है। धरती को नंगा नहीं छोड़ना, भूमि हमारी माँ है, माताएं हमारी जैसे शरीर को ढक करके सम्मान से रहती हैं, वैसे ही धरती माँ को भी ढक करके रखना है। क्यों ढकना है इसकी साइंस को समझो। कृषि वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि धरती का तापमान जब 35 डिग्री से अधिक हो जाता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन आकाश में उड़ना शुरू हो जाता है, वो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है, वो प्रदूषण आकाश में फैलाता है। और जब हम उसको ढक के रखेंगे तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ने नहीं पाएगा, वो धरती की फर्टिलिटी को, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा, वो धरती की ताकत है, उत्पादन बढ़ाने का आधार। नंबर एक, इस धरती को ढकने का लाभ। नंबर दो, वो जो अर्थवर्म है, केचुआ है, वो आजकल आप खेत में जाएंगे तो वो केवल रात में काम करता, दिन में काम नहीं करता। क्यों दिन में इसलिए नहीं करता, उसको पता तू धरती से बाहर आएगा तो पक्षी तेरे को उठा ले जाएगा, उसको मौत का भय। इसलिए जब हम धरती को ढक देंगे तो धरती पे अंधेरा रहेगा, पक्षी को केचुआ नहीं दिखेगा और केचुए को पक्षी नहीं दिखेगा। अंधेरे में वो केचुआ अब केवल रात को जो काम करता था वो दिन में भी काम करेगा, रात को भी काम करेगा, अब वो डबल शिफ्ट में काम करेगा। और वो फ्री का आपका मजदूर है, कोई पैसा लेता नहीं, धरती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा,
तो इस मल्चिंग का दूसरा लाभ है कि केचुए को 24 घंटे के लिए काम करने का अवसर मिलेगा। नंबर 3, जब हम मल्चिंग करते हैं, धरती को ढक के रखते हैं, तो जो जीवाणु हैं जो गाय के गोबर से हमने लिए थे, अब उनको जीवामृत में तो हमने दाल का बेसन डाल करके प्रोटीन दे दिया, अब वो क्या खाएंगे? तो ये जो मल्चिंग घास फूस है, ये हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है, केचुए का भोजन है। ये स्वस्थ भी होंगे, बढ़ेंगे भी, और इसको खा करके खाद में बदल देंगे, तो धरती की उपजाऊ क्षमता इससे बढ़ेगी। इसका ये लाभ हो गया। चौथा लाभ इसका क्या है कि आकाश में जो जलीय तत्व है उसको ये मल्चिंग खींचती है और धरती को देती है, धरती में नमी बनी रहती है। 50% खेती में पानी की लागत कम हो जाएगी। आश्चर्य देखिए आप, 50% जब प्राकृतिक खेती करेंगे तो पानी की जरूरत ही नहीं है। प्यारे युवा साथियों, पौधे को पानी की जरूरत नहीं है, पौधे को नमी की जरूरत है, और नमी उसमें बनी रहे। आप किसान के बच्चे बेटे हैं तो आप समझेंगे, आपके खेत में खेत का जो अवशेष है उसका कोई गट्ठा बना करके आप खेत में डाल देते हैं। आप देखना, कभी लूएं चल रही हो, गर्मी का मौसम हो, पानी कहीं ना हो, ऐसे समय उस गट्ठे को उलट के देखना, उसके नीचे नमी मिलेगी। वो नमी कहां से आई? बाकी खेत तो सूखा हुआ है। वो नमी यही अवशेष आकाश से जलीय तत्व को खींचते और धरती को देते हैं। इसलिए प्राकृतिक कृषि पानी को भी बचाती है, धरती की फर्टिलिटी को भी बचाती है। ये पद्धति केचुए को भी रात दिन काम के लिए प्रेरित करती, जीवाणुओं का भोजन भी निर्माण करती है। और अंतिम इसका जो 5वां लाभ है, जब धरती को आप ढक देंगे तो धरती पे सूर्य की किरण नहीं पड़ेगी, तो जो खरपतवार है, अनवांटेड ग्रास है, वो पैदा ही नहीं होगा। उसको निकालने के लिए लेबर जो किसान को लगानी पड़ती उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका खर्चा घट जाएगा और अनेक तरह की फसलें होंगी। तो ये जो पद्धति है प्राकृतिक खेती की, ये एक अनुपम पद्धति। मैं आप युवा साथियों से आग्रह करूंगा, आप युवा हैं, आप कृषि जगत में भी बहुत बड़ी क्रांति पैदा कर सकते हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आप इस प्राकृतिक खेती को समझें और अपने घर में अपने पूज्य माता पिता को आग्रह करें कि वो इस कृषि को एकदम पूरे खेत में ना करके थोड़े से हिस्से में शुरू करें, लेकिन करनी पड़ेगी पूरी ईमानदारी से, सारी चीजों को ध्यान से। आपने जीवामृत, घन जीवामृत डालना, उसका स्प्रे कैसे करना और मल्चिंग कैसे करना, जीव पौधे क्या ना बीज को संस्कारित करना, मैंने पुनः बताया। मेरी एक पुस्तक है प्राकृतिक कृषि, जो राजभवन गुजरात की वेबसाइट पर भी है और वो नीति आयोग की वेबसाइट पर भी निशुल्क उपलब्ध है। आप उसको जरूर पढ़ें और उसमें जानकारी भरपूर मात्रा में मिलेगी। और आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि पूरे देश में हम किसानों के बीच में इसका प्रचार करें, लोगों को प्रशिक्षण दें। और इसका जो उत्पाद है, मजे की बात यह है, इससे उत्पादन घटेगा नहीं, पर्यावरण खराब होगा नहीं, धरती की फर्टिलिटी बचेगी, आने वाली पीढ़ियों को पानी मिलेगा। देसी गाय पर आधारित ये कृषि है, तो जो घर में गाय होगी, ए टू दूध पी करके बच्चे भी स्वस्थ होंगे और उसका गोबर गोमूत्र खेती के काम आएगा और पानी भी बचेगा और किसान की आय भी बढ़ेगी। और भारत सरकार ने अब सहकारिता विभाग अलग बना दिया, जिसके मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी हैं। अब हम FPO बना रहे हैं प्राकृतिक खेती के किसानों के। गुजरात में हमने 100 FPO बना दिए। गुजरात प्रदेश में हमने डांग जिले को प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया है।
प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर एग्रीकल्चर विभाग इस मिशन को आगे बढ़ाने पर लग रहा है। प्राकृतिक खेती का मिशन बढ़ाते के साथ साथ मार्केटिंग की भी व्यवस्था बड़ी तेजी से विकसित की जा रही है, ताकि शहर में रहने वाले सभी नागरिकों को शुद्ध सात्विक आहार मिले और मेरी युवा पीढ़ी, मेरा देश, मेरा समाज, मेरे राष्ट्र के लोगों का जीवन स्वस्थ और निरोग हो। कैंसर जैसी बीमारियां, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कहीं पेनक्रियाज फेल, किसी के किडनी फेल, किसी के चरम रोग, ये सब कुछ हमारे खान पान के दोष का परिणाम है। यदि हम प्राकृतिक आहार लेंगे, जहर मुक्त आहार लेंगे, तो हम सबका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा और स्वास्थ्य में ही अच्छे स्वास्थ्य से ही अच्छा चिंतन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में हम अधिक योगदान दे सकेंगे। मैंने ये कुछ जानकारियां आप सब युवाओं के बीच में रखी हैं। आशा है कि आप इस पे मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। मैं राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन में, आज के नेशनल यूथ फेस्टिवल में सभी अधिकारियों को मैं साधुवाद देता हूं कि आप सब ने एक विचार लिया और युवा पीढ़ी में प्राकृतिक खेती के मिशन की जानकारी पहुंचाने का एक प्रयास किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं माननीय गवर्नर महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि इस सत्र का एक सारांश जरूर हमें प्रदान करें। युवा साथियों, जैसा कि मैंने अपना आज प्राकृतिक खेती की जानकारी में जो चिंतन दिया है, इसका यही सारांश है कि प्राकृतिक खेती करने से ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या चुनौती बनकर के खड़ी, उससे निजात हम पाएंगे। पानी जो जल ही जीवन है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आने वाला संघर्ष पानी पे होने वाला है। प्राकृतिक खेती यदि हम अपनाते हैं तो इससे धरती का जल भी बचेगा, उसका संरक्षण भी होगा, आने वाली पीढ़ियों को हम भरपूर पानी दे पाएंगे। तीसरा, इस प्राकृतिक खेती से धरती की फर्टिलिटी बढ़ेगी। रासायनिक खादों से हम उसकी फर्टिलिटी को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उससे मित्र जीव मर रहे हैं, जीवाणु और क्या नाम अर्थवर्म, वो मर रहा है, वही तो किसान का मित्र है। तो ये हमारी फर्टिलिटी वाली जमीन को भी बचाएगी और इससे खेती में लागत शून्य हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो किसान की आय बढ़ेगी, उत्पादन इससे कम होगा नहीं। देसी गाय पर आधारित ये कृषि है, गाय का भी संवर्धन होगा और किसान की आय भी इससे बढ़ेगी। तो हम सब ने इस विषय को अपने घर परिवारों तक लेकर के जाना है। जो ग्राम में कृषि से जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने घरों में छोटे से भाग पर इस प्राकृतिक खेती को शुरू करें, पूरे मनोयोग से करें, अच्छा परिणाम मिलेगा तो बाकी खेत में बढ़ा दें। शहरों में रहने वाले लोग प्राकृतिक आहार के अब धीरे धीरे बाजार में दुकानें खुल रही हैं, हॉट बनाए जा रहे हैं, आप वहां से वो खरीदें ताकि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और अपने जीवन को सुखी बना सकें। धन्यवाद। मैं नेशनल यूथ फेस्टिवल और सभी व्यूअर्स की ओर से माननीय गवर्नर महोदय का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि वे समय निकालकर इस ओकेजन पे हमें ज्वाइन कर सके। थैंक यू वेरी मच। वेल,
With the same, ladies and gentlemen, we come to the end of the second session for the day. Thank you very much for joining. And this is your host, Sahibjeet Kaur, on the behalf of the National Youth Festival, the 25th edition, saying goodbye for the while. Thank you very much for joining in.